हेलो दोस्तों, आप सभी को सेंग इंडियन नमस्ते चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोग के सामने फिर से नया वीडियो और फिर से नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो है रशिया ने अभी इंडिया को ऑफर कर रहा है, तो दोस्तों ये कौन सा ऑफर दे रहा है इंडिया के लिए, ये फायदेमंद होगा या नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोग को मैं डिटेल्स में बताऊँगी। अगर पूरा जानकारी चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप भी मत करना। तो दोस्तों अभी रशिया जो इंडिया को ऑफर कर रहा है वो है न्यूक्लियर फ्यूल। एक्चुअली दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूल पहले भी भारत में था लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए अभी रशिया ने इंडिया को बहुत कम पैसे से देगा जो न्यूक्लियर फ्यूल को। तो दोस्तों इस न्यूक्लियर फ्यूल की काम होता क्या है, तो दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाला सबमरीन या फिर आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर रिएक्टर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर उनको जो चलाने के लिए मेन जरूरी होता है वो है न्यूक्लियर फ्यूल। तो दोस्तों यहाँ पर मन के अंदर और एक सवाल आ जाता है, इंडिया के पास ना भी न्यूक्लियर सबमरीन है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, फिर भी इंडिया को क्यों चाहिए। तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए जो फ्यूल जरूरी होता है उनको हम लोग पूरा कर सकते हैं, और फ्यूचर में जो सबमरीन है उनको न्यूक्लियर रिएक्टर से लेस करेगा तो तब जाकर भी जो रशिया से हम लोग इनपुट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी से हम लोग खरीद कर रख देगा या फिर उनको खरीद कर हम लोग पावर प्लांट में जो इस्तेमाल करेगा तब इंडिया के लिए फायदा ही होता है, क्योंकि बिजली का जो रेट है न्यूक्लियर रिएक्टर से बनाता है तो उनका बिजली का रेट कम दामों में मिलता है हम लोग। तो दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के पास सिर्फ दो ही सबमरीन है ऐसा जो न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला, फ्यूचर में अगर इंडिया को और भी चाहिए तो दोस्तों तब क्या करेगा, तो तब जाकर जो हम लोग रशिया से फिर से परचेस करना पड़ेगा जो न्यूक्लियर फ्यूल को। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर वाला जो फ्यूल होता है वो आपकी शुद्धता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन दोस्तों अभी जो न्यूक्लियर फ्यूल जो रशिया हम लोगों को जो ऑफर कर रहे हैं वो शुद्धता न्यूक्लियर फ्यूल को इंडिया को अभी कम दामों में देगा, रशिया ने ऐसा वादा किया। तो दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूल से जो सबमरीन चलेगा तब वो उनका जो रेंज कितना होगा, तो दोस्तों जो न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाला जो सबमरीन होता है वो कम से कम 15 से लेकर 20 साल तक वो पानी के नीचे में रह पाएगा विदाउट आपकी डीजल हो या फिर इंजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपकी सबमरीन को। इसलिए दोस्तों अभी इंडिया को जो ऑफर कर रहा है रशिया ने उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, थोड़ा नीचे में कमेंट करना ना भूलिए। और दोस्तों फ्यूचर में तो इंडिया और एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो दोस्तों हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जो अमेरिका को देख रहा है, दोस्तों अमेरिका की जो जितना भी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन से लैस किया गया न्यूक्लियर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर। दोस्तों जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका जो रेंज है कभी भी मायने नहीं रखता, कितना सालों तक वो चल सकता है उनको मायने रखता, एक बार डालो तो 20 या 25 साल तक वो आसानी से जो पानी के ऊपर तैर कर रास कर सकता है। तो दोस्तों फ्यूचर में अगर इसी तरह इंडिया भी बनाएगा तो दोस्तों तब जाकर न्यूक्लियर फ्यूल जो शुद्धता न्यूक्लियर फ्यूल की जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के अंदर जितना भी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों मैं नोटिस बिलोंग करता हूँ, पहले वीडियो में भी मैंने बताया था, इसलिए मेरा जो हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है और मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, फिर भी जो इंडिया के लिए जो बोलने के लिए मन होता है जो करने के लिए मन होता है, चाहे आपकी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है मेरे जो बोलने में, तो दोस्तों अगर मेरा जो आप लोगों को जितना भी मैं बोल रही हूँ अगर मेरा कुछ कहना गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। अगर वीडियो को पसंद आते तो लाइक कर देना, ना भी पसंद आते तो डिसलाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।